ये देख सकते हैं दोस्तों साहिबाबाद पे इतना कुछ बर्फ हो चुका है जो कि अब यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर के ऊपर और फिर दिखाएंगे आपको साहिबाबाद का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जोड़े गए हैं ये स्टील के गाटर हैं, इस फ्लाईओवर को और इस मेट्रो को जो कनेक्ट करवाया है एक दूसरे से पास करवा रहे हैं। और वो देख सकते हैं वो रखे हैं ट्रैक स्लैब, देख सकते हैं वो सामने जो क्रेन मशीन लगी हुई है वो ट्रैक स्लैब है यहाँ के, इस पर बिछाए जा रहे हैं। तो यही वर्क चल रहा है अभी, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ये देखिए ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं, वो जोड़े जा रहे हैं, ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है इधर की साइड में। इधर ये स्टील के गाटर लगाए गए हैं तब इस पर फ्लोरिंग किया गया, और इधर अभी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन नहीं लगाई गई है और ना ही इस पर अभी ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये घूमती हुई निकलेगी आगे, तो अभी हम चल रहे हैं और आपको बता दें। और ये रेड लाइन का आ जाता है स्टेशन हिंडर रिवर, हिंडर रिवर मेट्रो स्टेशन आ जाता है ये मेरे राइट वाला, ये हिंडर रिवर का स्टेशन है रेड लाइन का, पर यहीं से स्टार्ट हो जाती है हिंडर रिवर। तो रिवर भी आप अभी आप लोगों को दिखाएंगे। रेलवे की लाइन है, ये इंडियन रेलवे की लाइन है दोनों। और तीसरी लाइन ये आरआरटीएस की है, देख सकते हैं ये आरआरटीएस की है, इस पर अभी कोई ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं लेकिन अभी इस पर लाइन नहीं बिछाई गई है। और इस पर आपको बता दूं इस पर ट्रैक स्लैब डालने की तैयारी चल रही है, वर्क चल रहा है अभी ट्रैक स्लैब डालने का। ये देखिए वो रखे हुए हैं ट्रैक स्लैब, और इसके नीचे से निकलती हुई जा रही है ये देख सकते हैं वो रखे हैं ट्रैक स्लैब, और यहाँ से ये जा रही है आपको बता दो साहिबाबाद के लिए, साहिबाबाद के स्टेशन पर चलेंगे हम। तो आज बस इसका यही वर्क दिखाने वाले हैं। तो कई आधे खंभों पर इस पर ओवर हेड इक्विपमेंट लगा दिया गया है और आधे खंभे पर नहीं लगाया गया अभी, और इस पर अभी लाइन भी अभी क्लियर होनी है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये एलिवेटेड है, इसके नीचे से ही आरआरटीएस की लाइन गुजर रही है, वो देख सकते हैं वो वाली, वो बिल्कुल सीधी सीधी वो जा रही है। तो अभी यही ट्रैक स्लैब डालने का इस पर वर्क चल रहा है इस टाइम पे। तो आप चलते हैं आपको दिखाते हैं साहिबाबाद का स्टेशन। और दोस्तों ये आ जाता है साहिबाबाद, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये साहिबाबाद का चौराहा है गाइस। और आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर भी ये फ्लाईओवर नहीं था, पहले ये भी फ्लाईओवर नहीं था क्योंकि ये फ्लाईओवर अब बनाया गया है और उसके बाद में ये आरआरटीएस। ये देख सकते हैं दोस्तों साहिबाबाद पे इतना कुछ वर्क हो चुका है जो कि इसकी जो अंदर की पेंटिंग का काम है वो चल रहा है, देखिए पुताई चल रही है अंदर के स्टेशन पर, ये देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये टीन सेट का काम है वो चल रहा है, देखिए आधा कर दिया गया है टीन सेट लगाने का, और इस पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे कि जितने भी आरआरटीएस के जो स्टेशन हैं उन पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उन्हीं पर ये आपको बता दूँ बिजली प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको बता दूँ स्टेयर बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर स्टेयर्स, और ये जो देखिए ये स्टेयर तो बनाने का
वर्क चल रहा है अभी। बाकी तो यहाँ पर ट्रैक भी घेर दिया गया है और इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए गए हैं ये खंभे पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी की लाइन नहीं बिछाई जा चुकी है। चलिए मैं आपको ये देख सकते हो, कुछ यही है वर्क यहाँ का। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, और मिलते रहेंगे आप लोगों को देखने के लिए, मिलते रहेंगे। और देख सकते हैं ये इस पर ये पिलर जोड़े जा रहे हैं अभी, 1 2 3, अभी इस पर 3 पिलर और लगाए जाने। ये जो खंभे हैं देख सकते हैं, ये जो टिन सेड है उसके खंभे इसमें 3 रह गए लगाने के लिए, बाकी तो इसमें कंप्लीट हो गए हैं। और ऊपर की जो सनरूफ है वो भी लगा दिए गए हैं, देख सकते हैं वो देखो ऊपर। अब इस पर लगाए जाएंगे सोलर पैनल्स लगाए जाने, और लगाए जाने के बाद में फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने भी वाहन आ रहे हैं ये मोहन नगर की साइड से आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं आनंद विहार की साइड में। तो चलते हैं हम और दिखाते हैं अभी वैशाली चल के कि कितना कुछ काम हो चुका है इस पर। जो बिजली के पोल हैं उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया गया है, अभी इलेक्ट्रिसिटी की इस पर लाइन नहीं लगाई गई है। इस पर अभी ट्रैक स्लैब डालने का काम चल रहा है। इधर तो ट्रैक स्लैब डल चुके हैं, आगे नहीं पड़े हैं, वो भी आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के। ये आ चुकी है साहिबाबाद की मंडी, फल मंडी, सब्जी मंडी, और ये रेड लाइट है साहिबाबाद की। ये मेरे राइट वाली है सब्जी मंडी, फल मंडी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया।
पर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अभी कोई काम नहीं हुआ है, ना इस पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाए गए हैं, ना इस पे कोई अभी इस पे ट्रैक स्लैब डाले गए हैं। अभी इस पे आपको बता दूं ये तो दोस्तों देख सकते हैं ये हम खड़े हुए हैं अभी बॉर्डर पे। देखिए यहाँ से ये लाइन हो जाएगी एलिवेटेड, जो कि ये रहेगी मेरठ के ब्रह्मापुरी तक एलिवेटेड रहेगी। और यहाँ से आपको बता दूँ ये है ब्लू लाइन का स्टेशन वैशाली, ब्लू लाइन है। और यहाँ से ये अंदर हो जाएगी अंडरग्राउंड, अंदर से ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जाली लगा दी गई है, पहले जाली नहीं थी ये, यहाँ पर ये जाली नहीं थी। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये आपको बता दें इस पर जोड़ने का काम चल रहा है, और इस पर पैराफिट बॉल बनाने का काम चल रहा है, और इस पर अभी ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, और इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने, खंभे लगाए जाने के बाद में इस पर ट्रैक स्लैब डाल दिया जाएगा, तो ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ से एलिवेटेड हो जाएगी, और अंदर से आपको बता दूँ कि यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगी टनल। और ये सामने चमक रहा है आपका वैशाली का ब्लू लाउंड का स्टेशन का, तो यहाँ से भी अभी जोड़ने का काम चलेगा। तो आप लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं कि कितना कुछ यहाँ पर वर्क चल रहा है। और आपको बता दूँ यहाँ पर चल रही है अभी, आपको बता दूँ कि देख सकते हैं ये लगी हुई है, देख सकते हैं यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगा, ये एक पिलर और बनाया जाना है, और फिर उसके बाद में ये नीचे अंडरग्राउंड हो जाएगी टनल गई। तो यही है मिट्टी पिट्टी ये डाल दी गई है, तो ये निकाली जा रही है टनल के अंदर से मिट्टी, और फिर इसमें मिट्टी फिर बाद में ये यहाँ पर बिछा दी जाएगी, और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये बॉर्डर है गाइस, अभी हम ऐसा समझ लो यहाँ पर बॉर्डर पे हैं, यहाँ से ये दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा और ये एलिवेटेड यूपी में आ जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं, तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही ब्लॉग वीडियो देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। पर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो केपी संत के चैनल पर आते रहेंगे गाइस। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।